तो अगर आप 30 से 35 के बीच में फोन लेने की सोच रहे हो तो यकीन मानो आप बिल्कुल सही जगह हो, क्योंकि इस वीडियो में दो फोन एक दूसरे को टक्कर देने वाले हैं। पहला है Realme GT60 और दूसरा है Poco F6। और यकीन मानो प्राइस के हिसाब से दोनों ही फोन में काफी सॉलिड हार्डवेयर दिए हैं, तो स्क्रीन पर भी आपको दोनों फोन के प्राइसेस और वेरिएंट दिख रहे होंगे। और यहाँ क्लियरली विनर है Poco F6, क्योंकि सस्ता है और बेटर वैल्यू फॉर मनी दे रहा है। अरे रुको रुको रुको, अभी भी फिल्म खत्म नहीं हुई है बॉस, अभी बताता हूँ पीछे की कहानी थोड़ी सी और भी है कुछ। क्योंकि अगर हम 3000 का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट Realme पे इंक्लूड करते हैं तो ध्यान से देखिए, 8GB प्लस 256GB वाला वेरियंट है ना, और जो 12GB प्लस 256GB वाला जो वेरियंट है, दोनों ही फोन ऑलमोस्ट सेम प्राइस ब्रैकेट में आ जाते हैं। और हाँ, जब 512GB वर्जन की बात आती है तो Poco अभी भी Realme से 3000 सस्ता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हो कि भाई कौन सा वेरिएंट लेना सही रहेगा, तो मेरे हिसाब से 256GB ज्यादा सेंस लगता है, क्योंकि बॉस 512GB क्या भर पाते हो आप भी, मतलब कम से कम जरूर बताना मुझे आप। अब एक काम करो, दोनों ही फोन के स्पेक्स पे नजर मार लीजिए, जिससे कि आपको दोनों फोन्स का बेटर आइडिया लग जाएगा। और दोनों ही फोन्स फुल्ली लोडेड हैं। ऑफ कोर्स Realme में कुछ पर्क्स हैं, जैसे कि एक कर्व डिस्प्ले जो कि पेपर्स पे Poco से ज्यादा ब्राइट है, Realme में ग्लास एयर भी है, और थोड़ा बेटर IP रेटिंग भी है, एक सिग्निफिकेंटली लार्जर बैटरी है, वहीं 120 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं डिजाइन से। मैं हूं इमाम और आप देख रहे हो फाइबर बाय इंडिया टुडे। तो देखो बॉस, दोनों का डिजाइन ऑलमोस्ट सेम है अगर हम Realme का जो कर्व डिस्प्ले है ना उसको साइड कर दें तो, क्योंकि पीछे देखो दोनों फोन में बड़े कैमरा रिंग्स हैं, साइड भी थोड़े कर्व हैं ग्रिप के लिए। पर हाँ, मेरे हिसाब से Realme थोड़ा ज्यादा प्रीमियम फील देने वाला है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है ग्लास बैग जो कि अगर आप साफ रख पाते हो तो काफी शानदार दिखता है। Poco के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि पॉलीकार्बोनेट बिल्ट है, तो देखो प्रीमियमनेस उतना नहीं मिलने वाला जैसा कि आपको Realme में देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ ज्यादा प्रैक्टिकल है और इकोनॉमिक भी ज्यादा इसका बेटर है। बाकी साइड में बटन वगैरह दोनों के मस्त क्लिकी है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में आयर ब्लास्टर दिया गया है। IP64 रेटिंग के साथ आता है Poco, जबकि IP65 रेटिंग के साथ आ रहा है Realme, तो यहाँ पे एनी डे Realme बेटर हो जाता है। और फ्रंट में ही फिंगरप्रिंट सेंसर को प्लेस किया गया है जो कि फटाफट खुल भी जाता है। और मोटा मोटा बताऊं तो सामने भाई Realme एकदम लुक के मामले में बहुत ही सही लग रहा है, क्योंकि कर्व डिस्प्ले इसमें दिया गया है, और साथ ही साथ मैं बोलूं तो जो ग्लास बैक है ना वो कहीं ना कहीं इसको एक अपर हैंड जरूर दे देता है। पर ओवरऑल अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो यहाँ पे देखो देखने में एनी डे Realme ज्यादा बेटर लग रहा है, लेकिन अगर मैं इकोनॉमिकली बात करूं या फिर मैं ज्यादा प्रैक्टिकल डिजाइन की बात करूं तो वो यहाँ पे मुझे Poco का लग रहा है। दोनों का डिस्प्ले सेम है, एमोलेड पैनल मिल रहा है, और सच बताऊं तो यार यहाँ पे Realme बाजी मार जाता है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, चलो फाइबर डिस्प्ले टेस्ट में दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं दोनों फोन्स के ब्राइटनेस को 50% पे सेट कर देता हूँ और कलर प्रोफाइल भी विविड पे सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे दोनों के पैनल शार्प हैं, बस ब्राइटनेस और वाइब्रेसी के मामले में यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि Realme बाजी मार जा रहा है। इनफैक्ट अगर इस फेदर वाली फोटो में देखते हो तो शार्पनेस दोनों ही फोन काफी सही तरीके से एकदम दिखा रहे हैं, वहां पे भी कोई इशू नहीं है। लेकिन वहीं फिर कलर और ब्राइटनेस की अगर बात आती है तो Realme यहाँ पे बेटर परफॉर्म कर रहा है। अब इन दोनों के डिस्प्ले को टेस्ट करने के लिए मैं आउटडोर भी ब्राइट सनलाइट में गया था, और सच बताऊं तो यार यहाँ पे Realme बहुत सही परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस में दी गई है। अब ये जो ब्राइटनेस दी गई ना, ये सिर्फ और सिर्फ HDR कंटेंट देखने के लिए है, लेकिन मेरा बड़ा सवाल यही है बॉस कि ये इतने जो ब्राइटनेस वाले जो कंटेंट है वो है कहाँ, क्योंकि मुझे तो नहीं मिले। अगर आपको मिले तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज लिंक भेज देना मुझे। पर अगर ऑटो पे आप ब्राइटनेस सेट कर देते हो तो दोनों ही फोन यहाँ पे बढ़िया परफॉर्म करते हैं, ऐसा कोई आपको परेशानी नहीं होने वाली अगर आप ब्राइट सनलाइट में दोनों को यूज करते हो तो। बट अगर दोनों में से एक चूज करना हो तो एनीवे यहाँ पे Realme ज्यादा ब्राइट था एज कम्पेयर टू Poco। बाकी ओवरऑल कंटेंट भी दबा के देखा मैंने दोनों ही फोन में, और सच बताऊं तो मजा आता है, प्लस अच्छा खासा दिन भी हो जाते हैं रात में, जिससे कंटेंट कंज्यूम करने में आपकी आंखों पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब मैं काम करता हूं, दोनों फोन में वीडियो चला के छोड़ देता हूं, जिससे कि जो भी मैंने अपना ज्ञान दिया है ना उससे आपको बेटर आइडिया लग जाएगा। Poco F6 में Snapdragon 8s Gen 3 चिप है जो कि टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस ऑफर करता है। इसमें आपको मिलता है 12GB तक की LPDDR5X RAM और 512GB UFS 4.0 स्टोरेज। ये कॉम्बिनेशन इंश्योर करता है कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो सुपर स्मूथ निकल जाए, और यहाँ पे भी गेमिंग में भी आपको ऐसा कोई दिक्कत या मल्टीटास्किंग में ना हो। दूसरी तरफ Realme GT60 आता है नए Snapdragon 7 Plus Gen 3 के साथ। इसमें भी 12GB तक की LPDDR5X RAM है और 512GB की UFS 4.0 स्टोरेज है। ये प्रोसेसर भी काफी पावरफुल है, लेकिन ये जो प्रोसेसर है ना ये आता है अपर मिड रेंज कैटेगरी में एज कम्पेयर टू फ्लैगशिप 8S Gen 3। खैर इस पे शो करते हैं साइड, सीधे आते हैं बेंचमार्क्स पे।
एंटूटू में Realme GT 6T 1 लाख स्कोर से ज्यादा है, फिर भी दोनों फोन्स के जो स्कोर्स है ना वो मिड रेंज फोन्स के हिसाब से काफी ज्यादा और काफी सॉलिड है। Geekbench 6 में सिंगल कोर और मल्टी कोर में परफॉर्मेंस में दोनों में ही Realme GT 60 इजली पोको F6 से आगे निकल जाता है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। खैर, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ये सारे सिंथेटिक नंबर्स हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर इस फोन ने अच्छा परफॉर्म किया है बेंचमार्क्स में तो ये फोन कम अच्छा परफॉर्म करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। खैर, मल्टीटास्किंग दोनों ही फोन काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है, वहां पे ऐसा कोई इशू नहीं है। 19-20 का फर्क है, लेकिन 20 यहां पे रियलमी है तो 19 पोको है। गेमिंग की अगर मैं बात करूं, दोनों ही फोन में मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल दबा के खेला था, और सच बताऊं तो देखो पोको F6 गर्म होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई रियलमी नहीं हो रहा था। लेकिन अगर मैं टाइम की बात करूं तो जहां पे ये 45 मिनट में गर्म हो रहा था, वहां पे 1 घंटे 10 मिनट बाद रियलमी में गर्म होना शुरू हो गया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों फोन में ही परफॉर्मेंस में डिप देखने को नहीं मिला था। ओवरऑल अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो यार देखो, दोनों फोन कोई भी टास्क पे आप थ्रो कर दो अच्छे से मैनेज कर लेंगे, लेकिन हल्का सा पावरफुल यहाँ पे रियलमी GT 60 है। पोको F6 में ड्यूअल कैमरा सिस्टम है, जिसमें कि 50 मेगापिक्सल का IMX882 सोनी का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ Realme GT 60 में भी ड्यूअल कैमरा सेटअप है, जिसमें कि 50 मेगापिक्सल सोनी का LYT600 प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। खैर, स्पेक्स को करते हैं साइड, सीधे आते हैं मुद्दे पे कि भाई जो कैमरा इसमें दिए गए हैं वो परफॉर्म कैसे करते हैं या फिर प्रैक्टिकलिटी में कैसे हैं। तो स्क्रीन पर भी आपको दो फोटोज दिख रही होंगी, जिसमें कि ट्रीटमेंट काफी सिमिलर है दोनों फोन्स का। कलर टेम्परेचर वार्म साइड पे है रियलमी की फोटो में, यहाँ एक्सपोजर थोड़ा बेटर है, शेडोज का ट्रीटमेंट भी रियलमी की फोटो में बेटर है जैसा कि आप देख सकते हो पेड़ पे भी, प्लस डायनेमिक रेंज भी काफी बेटर है यहाँ पे। इस ट्रक वाली फोटो में भी जो ओवरऑल कलर्स और वाइट बैलेंस है रियलमी की फोटो में एकदम सटीक आया है, वहीं पोको की फोटो में कलर्स हल्के दबे दबे आए हैं और कलर टेम्परेचर अगेन वार्म साइड पे है। भावेश की पोर्ट्रेट वाली फोटो में भी स्किन टोन रियलमी की फोटो में क्लोज टू एक्यूरेट है, और जूम करने पे भी देख पाओगे कि रियलमी की फोटो में शार्पनेस ज्यादा अच्छे से कैप्चर हुई है। पोर्ट्रेट फोटो का एक और एग्जांपल देख लो, जिसमें रियलमी की फोटो में डिटेल्स काफी ज्यादा बेटर है पोको की फोटो से, वहीं कलर्स भी रियलमी के क्लोज टू एक्यूरेट हैं। यहाँ इंस्टेंट पोको की फोटो में इमेज थोड़ी सी ज्यादा ओवर सैचुरेटेड लगी मुझे। सेल्फी भी रियलमी GT 60 की बेटर लगी मुझे, चाहे वो स्क्रीन टोन की बात कर लो या फिर ओवरऑल कलर्स की। इनफैक्ट पोको की सेल्फी में कलर्स थोड़े इनकॉन्स्टेंट लगे मुझे, वहीं पोको में एक हल्का सा पिंक टोन भी देखने को मिल रहा है। नाइट फोटोज देखते हैं, और यहाँ पे खान मार्केट की सड़क को ही देख लो, जहाँ पेड़ के कलर को ध्यान से देखो या फिर रोड को ध्यान से देखो डिटेल्स के लिए, रियलमी का जो रिजल्ट है वो पोको सनी डे बेटर है। इस वाली फोटो को ही देख लो, यहाँ तो भाई पोको ने हाइलाइट्स को ओवर ब्लोन कर दिया है, वहीं फोटोज में नॉइज भी ज्यादा देखने को मिल रही है। रियलमी की फोटो यहाँ पे दोस्तों ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है एज कम्पेयर टू पोको। इस आखिरी फोटो को भी देख लो, और कहने को तो पोको का रिजल्ट आप बोल सकते हो ज्यादा ब्राइट है, पर ध्यान से देखो ओवर ब्राइट करने के चक्कर में फोटो थोड़ी अजीब सी हो गई है, स्काई में नॉइज एविडेंट है, वहीं पेड़ के आसपास डिटेल्स की कमी दिख रही है। इन कंपैरिजन रियलमी की जो इमेज है वो काफी रियलिस्टिक लगी मुझे। अब मैं काम करता हूँ भाई, दोनों ही फोन से मैंने वीडियो बनाया था, वो भी प्ले कर देता हूँ, जिससे कि आपको वीडियो का भी बेटर आइडिया लग जाएगा। तो गाइस, अब मैं दोनों ही फोन के सेल्फी कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जो सेटिंग मैंने रखा है वो है 4K 30 फ्रेम्स पर रिकॉर्ड कर रहा है रियलमी GT 60। वहीं अगर मैं पोको की बात करूँ तो 1080 60 फ्रेम पर रिकॉर्ड करता है मैक्सिमम। और अगर मैं एक चीज़ यहाँ पे जो हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि डायनेमिक रेंज जो है ना वो यहाँ पे पोको का मतलब उतना कुछ खास नहीं, लेकिन रियलमी का एनी डे बेटर है। स्टेबलेशन दोनों का बढ़िया है, यहाँ पे मुझे कोई शिकायत नहीं है, बट हाँ कुछ ऐसा क्वालिटी है जो कि मैंने आपके सामने रख दिया। तो गाइस, अब यहाँ पे मैं दोनों ही के रियर कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और एक चीज़ मैं जो यहाँ पे बताना चाहता हूँ बॉस की दोनों ही 4K 60 फ्रेम पे रिकॉर्ड करते हैं। अब एक चीज़ जो यहाँ पे आपको ध्यान देना है वो ये है कि रियलमी में कलर थोड़े से वाइब्रेंट है, या फिर बोलूँ थोड़े से बूस्टर्स लगते हैं वहीं रियलमी, और वहीं पोको की अगर मैं बात करूँ तो पोको के कलर्स मैं बोलूँगा कि थोड़े से नेचुरल साइड पे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बॉस की दोनों यहाँ पे परफॉर्मेंस खराब दे रहे हैं, दोनों का आउटपुट बढ़िया है। बट हाँ, अगर आपको वाइब्रेंट कलर ज़्यादा पसंद है या फिर आप ज़्यादा एडिट वेट नहीं करना चाहते तो यहाँ पे रियलमी बेटर परफॉर्म करता है। पोको F6 में 5000mAh की बैटरी है और 90W तक की फास्ट चार्जिंग ये फोन सपोर्ट करता है। वहीं अगर Realme GT 60 की बात करें तो इसमें 5500mAh की बैटरी है और 120W तक की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट करता है। अब क्या स्पेक्स को करते हैं साइड, और सीधे आते हैं मुद्दे पे कि भैया प्रैक्टिकलिटी में दोनों फोन में से कौन सा लंबा चला। तो मैंने रगड़ के दोनों फोन को यूज किया था, और मेरे यूजेज में मैंने मैं दिन शुरू किया था 100% पे, और एंड ऑफ द डे अगर मैं बैटरी परसेंटेज की बात करूं तो 35 से 40 के आसपास बैटरी रह गई थी Realme GT 60 में, वहीं पोको F6 में 20 से 25 के आसपास बैटरी रह गई थी। और यहां पे क्लियरली मैं बता दूं आपको बॉस कि Realme GT 60 विनर है। और एक बात, अगर मैं यूजेज की बात करूं तो दोनों ही फोन रगड़ के मैंने यूज किया था, मैंने पहले आपको बताया था। अब मेरे यूजेज में 2 घंटे मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे 60% ब्राइटनेस पे, गेमिंग रगड़ के
किया था 2 घंटे तक, और साथ ही साथ वीडियो रिकॉर्डिंग किया था, और साथ ही साथ मैं मूवीज भी बहुत ज्यादा देख रहा था और गुलामी खैर कर ही रहा हूँ और कॉलिंग भी चल ही रहा था, उसके बाद भी ये कुछ रिजल्ट है जो मैंने आपको बताए। तो भाई अब आते हैं मुद्दे पे कि इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर है। तो यहाँ पे एनी डे रियलमी GT60 बेटर हो जाता है पोको F6 से, क्योंकि भैया जो पैसे में जो माल मसाला दे रहा है ना, ये कुछ ज्यादा ही दे रहा है। चाहे परफॉर्मेंस देख लो, डिजाइन देख लो, बैटरी देख लो, या फिर कैमरा ही देख लो, भैया यहाँ पे एनी डे रियलमी GT60 बेटर वैल्यू फॉर मनी, या फिर मैं बोलूँ बेटर फोन बन जाता है पोको F6 से। बाकी अगर अभी भी कोई सवाल है कम से कम खुला हुआ लिख दो, भर दो, जो करना है कर दो, बस कर दो। और हाँ, ज्यादा चैनल को लाइक फॉलो शेयर करना मत भूलना।